तो आज के टाइम में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, लेकिन हम डेली व्हाट्सअप चलाते हैं और व्हाट्सअप हमसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है, तो व्हाट्सअप बिलियंस ऑफ डॉलर कैसे कमाता है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2009 में, जब व्हाट्सअप लॉन्च हुआ था और व्हाट्सअप का मेनली पर्पज था डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल फ्री था। लेकिन 2014 में एंट्री होती है फेसबुक की और फेसबुक व्हाट्सअप को $16 बिलियन में परचेज कर लेता है। अब फेसबुक जानता है कि व्हाट्सअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और व्हाट्सअप पे डेली यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये उस डेली चैट की जाती है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, डॉक्यूमेंट शेयर किए जाते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज व्हाट्सएप पे डेली की जाती हैं। अब फेसबुक साफ तौर पे कहता है कि हम व्हाट्सएप से एड्स के थ्रू पैसे नहीं कमाएंगे, हम पैसे कमाएंगे इससे बिजनेस के थ्रू। तो 2018 में व्हाट्सएप लॉन्च करता है अपना व्हाट्सएप बिजनेस। अब व्हाट्सएप बिजनेस के हेल्प से आप अपनी सेल्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप अपने कस्टमर्स को सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इंडिया में काफी ज्यादा व्हाट्सएप बिजनेस को लोगों ने पसंद किया। लेकिन अभी भी व्हाट्सएप जो है हमसे पैसे नहीं कमा रहा था, तो व्हाट्सएप बिलियंस ऑफ डॉलर कैसे कमाता है। अब स्टार्ट होती है व्हाट्सएप के पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी। व्हाट्सएप क्या करता है, व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस करता है व्हाट्सएप एपीआई को। एपीआई क्या है, बेसिकली जो सारी सर्विसेज आपको SMS के थ्रू आपके फोन पर मिल रही थी, अब वही सारी सर्विसेज आपको अपने व्हाट्सएप पर मिलेंगी, SMS पर नहीं मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेस की है, तो आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपके SMS के थ्रू नहीं आएंगे, वही सारी डिटेल्स अब आपको जो है आपके व्हाट्सएप पर मिलेंगी। या फिर आपने कोई भी इवेंट बुक किया है, तो उसका जो टिकट है वो आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। इस तरीके की सर्विसेज आपको जो है व्हाट्सएप पर ही मिलने लगेंगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कितना चार्ज कर रहा है, उसका चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि व्हाट्सएप चार्ज करेगा उन कंपनीज को जो इस सर्विस को यूज करेंगी। उसके बाद व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे लॉन्च किया, जिसकी वजह से आप अपने फ्रेंड, फैमिली या फिर सेलर को पेमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू। लेकिन इंडिया में खासा पॉपुलर हुआ नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिवाइसेस में अवेलेबल था, हर डिवाइस में ये अवेलेबल था नहीं, जिसकी वजह से इंडिया में ये ज्यादा पॉपुलर हो नहीं सका। लेकिन इंडिया में व्हाट्सएप एपीआई को काफी ज्यादा यूज किया गया और व्हाट्सएप एपीआई को यूज करने वाले जो सबसे बड़े ब्रांड हैं वो है उबर, मेक माई ट्रिप, नेटफ्लिक्स, ऐसे ब्रांड इस सर्विस को यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ब्रांड्स और यूजर को भी अपनी डिटेल्स मैनेज करना काफी ज्यादा ईजी हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही, मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में।